जुलाई को इनके गांव में दिए, 1 मई का पहले यहाँ फायरिंग के इनके गांव में बेदखली नोटिस दिए, ये रुकने का नाम ही नहीं रहे है। अब ऐसे व्यक्ति जो है जो आदिवासी से दुश्मनी करे वो क्यों यहाँ पर डीएफओ रहे, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बार बार सताया जा रहा है। और बार बार नाकेदार या डीपी कोई भी मतलब प्रशासन उसका आदेश करता है कि कोरोना जांच किया जाए। टुटुली रिपोर्ट वर्तमान में ऐसी झकास बनी है उस खेती में। हाँ, ये जब भी मतलब प्रशासन भोपाल सरकार मतलब कोरोना जांच करने का आदेश करता है उस आदेश में हर गांव में ऐसे ऐसी परिस्थिति है, नाकेदार आता है और कुछ दो चार साथ में ले आते हैं, कोई वन अधिकार के समिति का जो बाहर गांव या एक जगह है और या तो सोचू आता है, तो भी हमको मतलब इतना कानून की सच्चाई नहीं मालूम थी तो उसका फायदा अभी तक लेते रहा। तो हर दावेदार के पीछे 2,000 या 2,500 रुपया पैसे लेते हैं और लेकर उसको सत्यापन करेंगे, हम तुम्हारा नाम आ जाएगा, पट्टा आ जाएगा, ऐसा करके नाकेदार या डीपी ले लेता है। हमने कई बार ऐसे पैसे दिया, ये वर्णाधिकार मान्यता कानून होते हुए भी अगर नहीं देते हैं तो उसके ऊपर हमला और अत्याचार करते हैं। आज तो हो रहा है, हजारों लोगों के साथ में हो रहा है। और अभी ना बहुत से गाँव में जाके देखोगे जमीन इतनी झकास बनी है, अगर ट्रैक्टर चलाता है तो 1,000 रुपया एक जमीन के एक व्यक्ति के पीछे 1,000 रुपया उस खेती के पीछे देना पड़ता है जब वो खेलने देता है। खेतों को हलना है तो पैसे दो, बोना है तो पैसे दो, बोना भी पैसे दो और हलना भी पैसे दो, अगर नहीं देते तो उनके ऊपर हमला शुरू। अभी एक आज कानून वर्तमान में वर्ण अधिकार मान्यता कानून होते हुए भाई हमारे आदिवासी को तो नहीं मालूम रहता है, पर इनको तो मालूम है। डीएफओ साहब को नहीं मालूम क्या ऐसे हमला कर रहे हैं अभी 2013 में 2008 में आपके पास उजाड़ना बंद है, 2013 में इनको उजाड़ कानून आने के बाद तो किसी को नहीं सताना था ना। कानून जब कांग्रेस सरकार ने मतलब संसद में जब कानून आया उसके बाद में क्या कानून का पालन करना चाहिए कि उसको साइड में फेंक देना चाहिए। 2013-2008 में लोगों को उजाड़े हैं, 2013 में लोगों को उजाड़े हैं, 2006 में आज भी जारी है, आज भी जारी है। ये डेफो इतना अत्याचार कर रहा है, इनके गांव में भी फायरिंग हुई है, हमारे गांव में भी 4 बार फायरिंग की थी सर जून ने। मांगीलाल भाई वो गोली कांड हुआ था वो व्हाट्सएप पे दिखा वो सामने और दीदी मेरे को तो धमकी भी दिया था उस राजेश रंधावे ने, क्या बोले कि आपको मैं गोली से मार दूंगा, यहाँ से भग जाना बोले। ये अभी 4 महीने पहले ये धमकी दिया था मेरे को वो राजेश रंधावे ने झांझर में। ऐसी ऐसी धमकिया देते है ये फर्स्ट विभाग लखन पिता मोहन आवेदन भी दिए थे सर हमने मोहन धुलाई करूंगा। हाँ आवेदन भी दिए थे झांझर मंत्री जी को सुन लो बैठो सब और कौन आदिवासी इस समय मध्य प्रदेश सरकार में जनजाति कार्य मंत्री हूँ और माननीय कमलनाथ जी और माननीय राहुल गांधी जी के निर्देशानुसार काम कर रहा हूँ और साथ में अपने लोगों को भी हकीकत क्या है उसकी बात वहाँ तक पहुँचाने का काम करता हूँ। जिस तरह से घटनाक्रम की जानकारी मिली थी और हम आज आने के लिए पर आज चूँकि गुरु पूर्णिमा का आज दिन है, बीच में रास्ता में खंडवा में आप सब लोगों को पता है कि आज है ना, तो हमारा लेट आने का कारण आप लोग समझ सकते हो कि वहाँ जनता बीच में है, तो फिर हम लोगों को धीरे धीरे ही उनके बीच से निकलना पड़ा और आज हमने आपकी बात कुछ जानकारी लेने की कोशिश किया है जिस तरह से हमारे साथियों ने बताया है और इसमें हमारे ये लाल सिंह यादव है, फिर अंतराम है और इसमें
हमारे साथी हैं, तो इन्होंने अपनी जानकारी बताया जिस तरह से परिस्थिति है। जब तक हम दोनों की पक्ष नहीं सुनेंगे तब तक सच्चाई के लिए कुछ कहना, मैं समझता हूं हमारे खास करके आदिवासियों में हमेशा एक चीज़ रहा है कि भले ही हमारे लोगों के पास आर्थिक व्यवस्था कमी है पर ईमानदार समाज है, और ईमानदार में हमसे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं है। ये बात हम लोग नहीं सुनेंगे तब तक सच्चाई को बता पाना मुश्किल होता है। तो मैं आज आकर के दोनों पक्ष की बात सुनने की कोशिश किया था। जैसे बात आई थी कि आपने आपके बिना बात सुने वहाँ तक आप गए, ऐसा आप लोगों का कहना है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके हर परिस्थिति को मैं समझ रहा हूँ। हमारी आपकी सरकार है, हर परिस्थिति को समझने की कोशिश किया है। कुछ जो जानकारी है वहाँ जो मैं गया, मैंने एक तो इस पे मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि कुछ दस्तावेज अभी आप लोगों ने दिया और मैंने कुछ दस्तावेज आप लोगों से कहा है। हमारे सचिव हैं वन अधिकार समिति के, ये हमारे वन अधिकार समिति के विषय में जानकारी रखते हैं। दस्तावेज हमारे सबसे बड़ी जानकारी है। एक गांव में कहावत होता है, 100 बुक्का और 1 लिखा। अगर 100 लोग बता रहे हैं और 1 लिखा हुआ है तो किसका सुना जाता है दादा? एक लिखा का। तो कुछ दस्तावेज आप लोगों की जो भी है वो आप लोग पूरी तरह से न्याय करेगा, और जो भी वन अधिकार अधिनियम की जो कंदिका है, वन अधिकार अधिनियम की प्रक्रिया है। अब मुझे पता है कि वन अधिकार अधिनियम में अभी तो कुछ लोगों को इसकी जानकारी ही नहीं है कि वन अधिकार नियम क्या है, ये क्या कहता है, किस तरह से काम कर रहा है। पर मैं आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे रहते आप लोगों के साथ नियम प्रक्रिया के विरुद्ध किसी प्रकार की अगर गड़बड़ी होती है तो हम आपके साथ हैं। आपको नियम प्रक्रियाओं के तहत हम पूरी तरह से मदद हम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। और इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हम लोग आते हैं तो 2 दृष्टि से आते हैं। हमारा एक दृष्टि होता है कि नेता आए ना, ऐसा दृष्टि होता है। तो मैं यहाँ बता दूँ, मैं यहाँ मंत्री के रूप में तो आया हूँ पर समाज के रूप में भी आया हूँ। जब मैं आदिवासी समाज के रूप में तो मैं समाज का बीच में जब भी जाता हूँ तो मैं नेता नहीं रहता, मैं समाज का बेटा रहता हूँ। इस नाते अगर ये समाज मेरा है तो मैं समाज का बेटा हूँ। मेरा जो जिम्मेदारी बनता है उस जिम्मेदारी के अनुरूप, नियम प्रक्रियाओं के अनुरूप ज़्यादा से ज़्यादा, और मेरी तो ड्यूटी है कि हमें अपने लोगों की बात रखना है। मैंने अभी कुछ विषयों में भी जानकारी दिया कि जैसे मकान की आवश्यकता है, रोजगार की आवश्यकता है, 100 दिन की रोजगार की आवश्यकता है, 100 दिन की रोजगार, जैसे रोजगार सहायक है इसका तो नौकरी च लगा है रोजगार गारंटी में, रोजगार गारंटी में मैच होंगे यहाँ 10-15 कितने मैच। इधर कहीं काम का बोले कि 2-4-8 दिन के लिए काम था तो उससे हमको कोई संतुष्टि नहीं थी। और जो निराश्रित हैं इन लोगों का 300 का हमने 600 रुपये किया है पेंशन, तो ये भी 100% जो पात्र हमारे आदिवासियों में ये है कि गलत अगर कुछ है तो उसको हम लोग स्वयं स्वीकार नहीं करते, पर जो ईमानदारी से जो पात्र जिनकी उम्र हो गया है, जो इस श्रेणी में लाया हूँ कि इस परिस्थिति की समीक्षा हम करेंगे। तो आपकी ये कागज है और लिखा था और पड़ गया तो मंत्री बन गया सर। ऐसे ही उस गांव में कितने लोगों के ऐसे ही उम्मीद थी, ऐसे ही बहुत से बच्चों की आशाएं थी कि वो भी पढ़ लिख कर कुछ करे, तो उन लोगों के घर जला दिए गए, उनमें उनके दस्तावेज जल गए, मेरा खुद का मेरा माँ मार्कशीट जल गया और उसी उसी परिस्थिति में लोग ऐसे रह गए। राम भाई ये जो घटनाक्रम है ये 2003 और 2018 के बीच की घटनाक्रम है, और किसकी सरकार थी आप लोगों को पता। अब 15 सालों के बाद हम आए हैं तो हमारी जो सरकार की प्राथमिकता है, हमारा तो स्पष्ट है कि हमारे लोगों को बचाने के लिए कांग्रेस ने हमेशा आदिवासियों की जमीन किसकी सरकार थी। पर अभी अपनी सरकार होने के बाद भी हमको 8 घंटे तक के थाने में बैठना पड़ा, उसके बाद भी शिकायत नहीं।
अब आपको बता दूं कि अभी ये संज्ञान में आया है और हमारे उसके बाद आप ये बताओ 2003 से 2008 के बीच में बहुत घटनाएं हुई कि नहीं गांव को उजाड़ने, कभी कोई मंत्री आया क्या? नहीं, कभी कोई मंत्री आकर के देखा क्या? नहीं, तो ये फर्क तो है आपकी, पहले आपके साथ घटना होती थी कोई आता था, आज घटना हुई है, माननीय प्रभारी मंत्री जी हैं, पहले वन मंत्री जी आए थे, मैं आया हूँ, मेरा पूरा विभाग आया है, तो ये अपनापन है। और आपकी सरकार, इसमें मैं समझता हूँ कि परिस्थिति जो भी था उसकी हम समीक्षा करेंगे, परंतु आप लोगों को बता दूं, अगर आप ये कहेंगे कि सरकार, तो हम लोग आए हैं पहले की सरकार आपके बीच में अगर आया होता तो आप खुद बताते, तो इतना तो आप लोगों को अंतर समझना चाहिए। मेरा ऐसा निवेदन कुछ और कहना है, थोड़ा सा ये कहना चाह रहा हूँ, आप कह रहे कि अपनी सरकार है, ये सब कुछ किया है, हम लोग आए हैं, तो हम आपसे ये भी एक थोड़ा सा सवाल पूछना चाहते हैं कि जिस आदिवासी के ऊपर डेफो ने बिना आदेश के, बिना उसके, जब उसने डायरेक्टली गोली चलाई है, तो उसको कब तक के सस्पेंड कर सकते? देखिए, मेरा आपका बिल्कुल सही सवाल है, मैं इसकी पूरी समीक्षा करेंगे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाकर के हम इस विषय को गंभीरता से चर्चा करेंगे, है ना, और आपके कागजों के आधार पर पूरी मैं सच्चाई के साथ चर्चा करूंगा, तब इस पे क्या परिस्थिति आया, किस एंगल से आया, जब तक सूक्ष्मता से हम इसकी एक सवाल मेरा कि अगर आप लोग उनको अगर नहीं गिरफ्तार करते हैं तो ठीक है, हम जितने भी आदिवासी हैं सबको गिरफ्तार करें।